हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लाइफ विद करिश्मा चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे रहोगे। आज मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊंगी जो आप सभी लोग फेस कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मास्क के बारे में। मास्क पहनना बहुत ही जरूरी हो चुका है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये ऐसी दो चीजें हैं जिसके कारण हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो मास्क पहनने से आपके बॉडी में बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट गिरता है? तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला, मास्क पहनने से आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। मास्क पहनने से आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हो, आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। मास्क पहनने के कारण बहुत से लोगों को हेडेक हो जाता है, बहुत से लोगों को चक्कर भी आता है। पॉइंट नंबर टू, मास्क पहनने से आपको बहुत ही पसीना आता है। आपने खुद नोटिस किया रहेगा कि बहुत ज्यादा पसीना होता है। उस पसीने के कारण आपकी स्किन रैशेस होते हैं, आपको अनकंफर्टेबल होता है, आपकी स्किन मतलब इचिंग हो जाती है, रेडिश हो जाता है। मास्क पहनने से आपकी आईसाइट और हियरिंग लो हो सकती है, क्योंकि जो आपका प्रोसेस है मेन ब्रीदिंग, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ऑक्सीजन इन, वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं लेते हो तो आपकी आईसाइट और हियरिंग में कुछ तो कुछ इश्यूज आएंगे ही। बहुत से लोगों को नंबर होता है, नंबर के कारण उनको चश्मा वेयर करना पड़ता है। चश्मा पहनना बहुत ही जरूरी हो जाता है उनकी लाइफ में, और मास्क पहनने के कारण वो चश्मे के आगे जो कांच है उसके आगे फोग क्रिएट होता है। तो उस वजह से जो भी पर्सन चश्मा पहन रहा है वो अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हमें मास्क पहनना ही होगा, क्योंकि कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो चीजें करनी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसी जरूरी चीजें, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपको ये सारी चीजों से गुजरना नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें आप पे इफेक्ट नहीं करेगी। सबसे पहला, आप फैशन और स्टाइल के लिए आप टाइट मास्क मत वेयर कीजिए। जितना हो सके आप लूज मास्क वेयर कीजिए, जितना हो सके आप कॉटन का मास्क यूज कीजिए। अगर आपके घर पे रुमाल हो या फिर कुछ आपके पुराने कपड़े हो, आप उसका भी मास्क बना के वेयर कर सकते हो। अगर आप नीचे हो, मार्केट में हो, या फिर आप सब्जी ले रहे हो या कुछ सामान ले रहे हो, और वाइल वॉकिंग आपके आसपास कोई भी ना हो, तो आप मास्क निकाल के वॉक कीजिए। खुली सांस, एकदम भरपूर सांस लेके वॉक कीजिए। जितना हो सके मास्क को पहनना अवॉइड कीजिए। घर पे तो बिल्कुल भी मास्क ना पहनिए। अगर आपके आसपास कोई भी पर्सन ना हो, आपके आपसे दूर हो, तो प्लीज मास्क निकाल लीजिए। रनिंग कर रहे हो या फिर आप जॉगिंग कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो प्लीज मास्क वेयर मत कीजिए। सीढ़ी उतरते समय, सीढ़ी चढ़ते समय आप मास्क पहनना अवॉइड कीजिए। तो अभी हम बात करेंगे हैंड सैनिटाइजर के बारे में। हैंड सैनिटाइजर आप सभी के पास होगा, जेंट्स हो तो पॉकेट में होगा, लेडीज हो तो पर्स में होगा, मतलब बच्चे हैं तो सबके पास हैंड सैनिटाइजर, एक सबका सेपरेट हैंड सैनिटाइजर छोटा होगा ही, क्योंकि अभी हैंड सैनिटाइजर यूज करना बहुत ही जरूरी हो गया है। लेकिन हैंड सैनिटाइजर एक्चुअली ये हमारा कल्चर नहीं है, ये बाहर की कंट्री का कल्चर है। हमारे कल्चर में अच्छे से साबुन से हाथ धो लो, पानी से हाथ धो लो, ये हमारा कल्चर है। हैंड सैनिटाइजर बेसिकली है क्या, उसके अंदर 72% ऑफ अल्कोहल है, और ये जो हमारी, ये जब आप यूज करते हो, जो हमारी स्किन की जो सेकेंड लेयर तक वो अब्सॉर्ब करता है, और वहां पे रहते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स क्या है? डेंड्रिटिक सेल्स एक इम्यून सिस्टम का हमारा पार्ट है। अगर जैसे ही आप हैंड सैनिटाइजर यूज करते हो तो आप उसको किल कर रहे हो। जब आप खाना खाते हो, जो खाना खाने के साथ ये जो हेल्दी बैक्टीरिया भी आपके पेट में जाते हैं खाने के साथ, जो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन जैसे ही आप सैनिटाइजर यूज करते हो तो ये मर जाते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। हैंड सैनिटाइजर की वजह से आपकी स्किन भी ड्राई हो सकती है। जितना हो सके आप हैंड सैनिटाइजर कम यूज करें। अगर आप घर पे हो तो प्लीज हैंड सैनिटाइजर यूज ना करें, और बाहर जाते वक्त बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब आपको हाथ धोना ही है, तभी आप इसको यूज करें। ये सब एडवर्टाइजमेंट का खेल है, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बेचने के लिए ये सारी चीजें उन लोग इंक्लूड करते हैं, लेकिन पर्सनली अवॉइड यूजिंग हैंड सैनिटाइजर। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।